जी। कहाँ से है सब तुम्हें? अच्छा अच्छा, अब इनको डायलिसिस करा रही? हफ्ते में कितने बार करा रही? दो बार करा रही। अब मैं बोले सर कर लिया तो चार महीने में रेडी होती इंशाल्लाह। अगर डायलिसिस नहीं रहता तो चार महीने में हो जाता, तो डायलिसिस कर डाली ना, उसमें अब एक दो तीन महीने ज़रा लेट हुआ था इंशाल्लाह। वीडियो को वीडियो बना लियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, और जिनके किडनी इन्फेक्शन हो गई, डायलिसिस कर रही, उनके वास्ते चार महीने गोश्त, मच्छी, अंडा, छीको देखना नहीं। और दूसरा, ड्राई फ्रूट कोसा भी नहीं खाना, खजूर, बादाम, अंजीर, ऐसे ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं खाना, बादाम, पिस्ता, फल्ली बींजा, ये सब भी नहीं खाना। और बेकरी का कोई आइटम नहीं खाना, बिस्किटा, ब्रेडा, बन्ना, बड़े रंबे रोटियां, मरकिन के आटे के चीजा बने सो कोसे भी नहीं खाना। खाए उम्र भर किडनियां खराब कर लेती अच्छे लोग भी, तो मरकिन का आटा बेकरी आइटम खा गए तो किडनियां खराब होती, इसलिए भाई बेकरी का आइटम खाना होती। और दूसरा, और दूसरा ठंडा पानी, इन अच्छे हुए तक किडनी अच्छे हुए तक छील को देखना नहीं, गर्म पानी पिलाना, पीपल के पत्ते, 31 पीपल के पत्ते, 50 ग्राम घोघरू के काटे, तीन मुखे काटे देते हम इंशाल्लाह, 50 ग्राम घोघरू के काटे, 50 ग्राम घोघरू के काटे, ये देखो ये घोघरू के काटे, तीन मुखे काटे, 50 ग्राम 31 पीपल के पत्ते, इसमें जरा पुनर्नवा, हाँ, ठिकरी की भाजी भी बोलती, पुनर्नवा कहते हैं ठिकरी की भाजी बोलती, ठिकरी की भाजी पुनर्नवा, हाँ, तुम्हारे घर के आजू बाजू मिलता है इंशाल्लाह, ये रखो ठिकरी की भाजी, इसे बोलते हैं ठिकरी की भाजी, तुम्हारे घर के आजू बाजू मिलता है, मैदान में मिलता है, कहाँ घास भूस रहता वहां मिलता है इंशाल्लाह। ये जरा डालना दाल को, एक आधा चमचा कलौंजी दाल को पका को, ये पानी आधे घंटे को एक गुट, ये कषाया आधे घंटे गुट, ये 200 जड़बोटी का पानी, ऐसा 200 जड़बोटी की दवाई, आधे घंटे को एक गुट कषाया, और ये पिए कि नहीं कि ये गुट पीपल के पत्ते का पानी, ये गुट आधे घंटे को पीना, आधे घंटे को ये पीना, आधे घंटे को ये पीना, आधे घंटे को ये पीना, 15 दिन 20 दिन एक महीना भूख लगती नहीं, डरना नहीं, क्योंकि तो ये गुट पी ले तो चार रोटी या गोश्त खाने का पौर मिलता है, ये खाना ये पानी, और 15-20 दिन एक महीने के बाद बेजान भूख शुरू होती है, वहां बेजान खाना नहीं, आधा पेट खाना, हाथ धो लेना, और 15 दिन तक भी खाली ये खाना तुमना, फिर भी भूख लगी तो खाओ, भूख नहीं तो जबरदस्ती से सब खारी बोल को खा जाओ, उनको अच्छा पक गए बोल को खा जाओ, उनको जुलूम कर रही बोल को खा जाओ, उनको मेरे 15 दिन 20 दिन के बाद भूख शुरू होती है, आधा पेट खाना, हाथ धोना, ऐसा कर लिए उम्र भर के लिए अच्छे हो जाती, फिर जिंदगी में किडनियां तुम्हारे खराब नहीं होते, और घर में किसे भी खराब नहीं होते। अब मैं बोले तो सुन लिया, तो किडनियां को बचा लियो, घर में कोई भी बेकरी का आइटम खाने को। और दूसरा, अरंडी का तेल रोज एक चमचा इसमें डाल को पीना, कषाया रहे तक कषाया पी लियो, ये कषाया नहीं स्टम्पो, दूध में की गर्म पानी में की दाल को पीने की आदत डाल लियो, आदत डाल लिया तो आइंदा चल को किडनियां खराब नहीं होते किसी भी घर में। घर में पूरे एक चमचा पीना, और इनको भी पिलाना किडनी पेशेंट को भी, और घर में सब एक चमचा पीना इंशाल्लाह, फिर जिंदगी में आपकी किडनियां खराब होती नहीं, आपका लिवर खराब होता नहीं, और मूल व्याधि की बीमारी नहीं आती, फाइल्स की बीमारी नहीं आती, फिश की बीमारी नहीं आती, क्योंकि लोग डराती हैं ये ठंडी की इसकी आदत नहीं डालना, बोल को झूठो सफेद झूठ, ये ठंडी की नहीं गर्मी है, गर्मी से अच्छी बीमारियां जाते हो सो,
कोसा तेल भी ठंडिक नहीं, हर देर गर्म बीजे इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लियो, हमेशा बीमारियों से बच जाती। और दूसरा और शाम का टाइम तेल लगा को मालिश करना हाथों को, इनको भी किसे है किडनी पेशेंट को भी, और तुम्हें घर में सब कर लियो एक दूसरे, हाँ माँ बेटी कर लेना, बेटी अम्मा कर लेना, भान भान को कर लेना, भाई भाई को कर लेना, हाँ अच्छा अच्छा खींचना। कोसा भी रोज एक एक तेल, रोज एक दिन खोपरे का, एक दिन रायंग का, एक दिन तिल का, एक दिन जैतून का, एक दिन कलौंजी का, ऐसा ले लो, ले को अच्छा करना। हाँ बहुत दुखता है, बीमारी रही तो बहुत दुखता है, और दुखता है बोल को छोड़ो उनको, हाथ आगे पाँव आगे सब कर लेना। अच्छा पुश करना ऐसा, सुबह को भी शाम को भी एक 50 टाइम दबाना, ऐसा पूरा हाथ दबाना, पाँव भी दबाना। पाँव सूज गए रहे तो सूज जाती एक बार, सूझे सूझे तो क्या करना, एक चार तखे रख डाल को पाँव ऐसा ऊपर उठा उठालना, दो घंटे सुलाना, सूजन चले आती है। और ये दबाना पुश करना, और नींद भी अच्छे आती है, सूजन भी चले आती है। और नाक में एक तीन तीन खतरे खोपरे का तेल डालो, इनको भी डालो और घर में सबको भी डाल लो, उसमें सर की बीमारी खत्म हो आती है, नींद अच्छी आती है, घुराटे चले आती, हाँ नाक की बीमारी, आंखें की काना की बीमारी खत्म होती है। और राया का तेल रख ले कोई से मसाज करना, अंगूठा गर्म हुए सर का, दी हाथ से ये हाथ को, ये हाथ से हाथ को, सुबह को शाम को दो टाइम कर लियो, अच्छा गर्म होना अंगूठा, ये कर लिया तो गले की बीमारी और गले के ऊपर की सर की बीमारी सब खत्म हो जाती, और ये कर लिया तो पेट की बीमारी खत्म होती है, पेट की बीमारी खत्म होगी तो पूरे बीमारी खत्म हो गए, क्योंकि पेट बीमारियों का घर, वैसा से डर बीमारियों का घर, डरने का छोड़ डालो, डरे तो कोसे दवाएं भी काम करते नहीं और जल्दी मर जाती, हाँ डरना नहीं, अल्लाह वाले डरते नहीं, मुसलमान डरता नहीं, जो डरता है उन्हें मुसलमान नहीं, कुरान की बात याद रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते, वैसा एक दिल में दो का डर नहीं आता, एक रब का एक सबका, सबका डर आगा रब का डर निकल जाता है, रब का डर आगा सबका डर निकल जाता है, ये अल्लाह का कानून है, रब के डर को दिल में बसा लियो, किसी का डर नहीं आता, हंसते खेलते जी लेती। और दूसरा गुस्सा भी नहीं करना, गुस्सा करे तो जल्दी मर जाती, गुस्सा करे तो माइग्रेन आता है, गुस्सा करे तो शुगर आ जाता है, गुस्सा करे तो हार्ट अटैक आ जाता है, गुस्सा करे तो किडनियां खराब हो जाती, गुस्सा नहीं करना, आता है कोई फितरी तौर पर आता है, उसे एकदम कम कर डालना। जैसा गाड़ी चलाने में कितना स्पीड चलाना है, कितना हल्लू चलाना हमारे हाथ में रहता हो, हाँ जब जब देख लेती हमें गर्म हुआ है क्या, गर्म हुआ तो गाड़ी खड़ा होती, वैसा हाँ इंशाल्लाह। तीसरा ध्यास सूचना नहीं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बोलको बेटा का, बेटा ज्यांग का, नवासियां का, पोतरिया का, खानदान का, कबीले का, गौ का, और तुम्हारा देश का, पूरी दुनिया का, सूच को जल्दी मर जा रही सो, हम ना कहता होना उतना सूच लेना, या यू अल्लादीन आमनो हो अनफसकुम व अहलिकुम नारा, हाँ तुम्हें भी बचो जहन्नम के आग से, तुम्हारे बीवी बच्चों को बचा लो क्या अल्लाह। और दूसरा जो है एक दूसरे के ऊपर रहम करना, एक दूसरे के ऊपर रहम करे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करता है, हाँ एक दूसरे पर जुल्म करे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिमा को मुसलत करता है, ये अल्लाह का कानून। इसलिए इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार जोरू मरद को मसज करना, मरद जोरू को मसज करना, यहाँ घंटा पहुंच लगाना, ऊपर रस्सी पकड़ा रस्सी बन लेना, फैन कुकी का बन लेगो, पहुंच से एक घंटा लगाना, हाँ रोज एक एक तेल बदला लियो, वारम वारम को तेल बदला लियो, कभी खोपरे का, कभी तिल का, कभी रायांग का, कभी अरंडी का, और आधा घंटा हाथ से लगाना, एक घंटा पहुंच से लगाना, हाँ मर्द को पहुंच लगड़ो परवाह नहीं, क्या भी नहीं होता, और आधा आधा चमचा जुबम्बी में जिराना, ऐसा कर लिए यहाँ हमेशा जवान। ये देखो 60 साल में पूरा 100 साल का बुढ़ा होगा था, जब जीना नहीं आता था मुझे, जड़ बोटियां को मानता नहीं था मैं, हमारे माँ करते थे तो, डॉक्टर 8 दिन का टाइम दिया था मरने के वास्ते, हाँ महीने महीने में एडमिट होता था मुझे को, कब जड़ बोटियां की तरफ आया, 18 साल से रोज जवान होते जा रहा हूँ, 85 साल को फिर जवान, और 18 साल हुआ तल्लाक देखो, डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को, टेस्टिंग को, पूरे रिपोर्टों को उठा कंगार लगाया, वैसा तुम्हें भी जी लेती इंशाल्लाह, हाँ जीने का सीख लियो,
क्योंकि अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह जालिम नहीं। अल्लाह किसी को भी बड़ी बीमारी मुसीबत दयाल को अल्लाह देख कर खुश नहीं होता। माँ बाप को फुलसुनी आ गई तो भी बर्दाश्त नहीं करते बच्चे को, ये गुड़ला आ गया तो भी बर्दाश्त नहीं करते। अब ये दुनिया में कितने माँ बाप पैदा हुए, कयामत तक पैदा होने वाले ही, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता सो अल्लाह। और अल्लाह भी नहीं चाहता मेरा बंदा हमेशा परेशान रहे, बीमार में रहे, किडनियां खराब कर लें, हार्ट अटैक आ जाते मेरे बच्चे को, मेरे बंदे को, अल्लाह भी नहीं चाहता। बंदा अपनी जहालत से, गुरूर से, तकबुरी से बीमारियां मंगा लेता सो, नहीं खाने के चीजा खा को, नहीं पीने के चीजा पी को, सुबह होते के मान चा शक्कर चा का पत्ता मिल गया, शक्कर चा का पत्ता दूध मिल गया तो जहर बना वो, सुबह होते ही उसके ऊपर और भी जहर, ब्रेडा बन्ना बिस्किटा सब डुबा डुबा खाने का जल्दी मरने के वास्ते, वैसा कभी नहीं करना। हाँ, दोपहर तक खाना खाओ लोगो, दोपहर तक खाली तरकारी का सूप और फ्रूट ये खाते रहो दोपहर तक। और डिकाशन, घर में एक डिकाशन बोलता हूँ बना लियो, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवान, 100 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 5 ग्राम काला नमक, 1 ग्राम हिंग, लेको पाउडर बना लियो, हमेशा तुम्हारे घर में ये पाउडर रहना। सुबह होते ही उसमें अर्जुन का अर्जुन की छाल भी ले लियो, पंसारी क्या मिलते हैं, हर महीने में जाकर एक आधा केजी ले लियो, कूट को रख लियो, उसमें अर्जुन की छाल भी डालो, दाल को कितने आदमी ही देखना उतना पानी, दाल को उसमें गुड़ डालना, शक्कर को तलाक देना, गुड़ डालना, और दो लौंग इलायची चकला डालना, जब पुदीना जरे अदरक डालना, दाल को गुड़ दाल को बेहतरीन चा खाली पेट में, फिर नाश्ते के बाद, फिर दोपहर को पियो होना तो शाम को भी पियो इंशाल्लाह, हमेशा तंदुरुस्त रहती, ये घर की दवा तुम्हारी हमेशा के वास्ते। एसिडिटी जिंदगी में आता नहीं, गैस्ट्रिक जिंदगी में आता नहीं, हार्ट अटैक जिंदगी में आता नहीं इंशाल्लाह। और दूसरी एक दवा बोल दूँ, 1/2 केजी लहसुन का रस निकाल लियो, 1/2 केजी नींबू का रस निकाल लियो, 1/2 केजी अदरक का रस निकाल लियो, 1/2 केजी सेब का सिरका ले लियो, और उसमें 50 ग्राम काले पान मद्रास के, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम जैतून का तेल, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम चकला, 10 ग्राम इलायची, 10 ग्राम काली मिर्ची, दाल को अच्छा पकाना, पका को 1/2 केजी बनाना, 1/2 केजी बना को प्योर शहद, ये हमारे पास है काले छोटी मक्की का प्योर शहद, कहाँ से भी ले लियो, हमारे पास होना तो आँख लियो, नहीं तो कहाँ से भी लियो, 1/2 केजी शहद उसमें दाल डालना, ठंडा करो दाल को, रोज बीमार ही सो नो, 1-1 चमचा सुबह को, 1 चमचा शाम को, कौन सी तो बीमारी हंदे इंशाल्लाह महीने में खत्म होती बीमारी। हाँ, और बीमार नहीं ना हो 1-1 चमचा खाली सुबह को तो भी शाम को तो भी, और बच्चा को 1/2 चमचा, लखवा मारने की बीमारी जिंदगी में आती नहीं, अस्थमा नहीं आता, फिट्स नहीं आता, और हार्ट अटैक नहीं आता, और लीवर जिंदगी में खराब नहीं होता, खून पतला पाक रहता है, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं आता। ये जब जब बना लेते रहो, दो दवाएं तुमने दिया लिया, एक पाउडर एक डिकाशन, और जब भी आजू बाजू वाले अंकु दरा दरा दो सिखाओ, और कितने रिश्तेदार ही ढूंढ ले को जाओ, सबको एक एक बाटली से बना लियो, सबको सिखा को दियो, एक एक ढाकन पियो बोल को, और सबको सिखाओ, इंशाल्लाह हमेशा ताजे रहती। जैसा हकीम उबैदुल्ला साहब 85 साल में जवान बनको और डॉक्टर से बचको ही, ऐसा तुम्हें भी बच जाती इंशाल्लाह। हाँ, ये हमारा बैलेंस तुमना बतला ले। और रसूल आसम की दुआ भी है, अल्लाह मेरे उम्मतियों को हमेशा खुश रख, जो मालूम कर लेती सीख लेती वो दूसरे अंत तक पहुंचा देती, दूसरे अंक को सिखाती, रसूलुल्लाह की दुआ भी है। दुआ के साथ जी लो, जिए तो जय, मरे तो विजय। याद रखो, मोमिन मौत को भी डरता नहीं, मौत के बाप को भी डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को डरता नहीं, मोमिन मरने की चाहत में जीता। तो जैसा रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह से पूछते थे, अल्लाह तू कैसा है, अल्लाह मैं कब तुझे देखना सो, मैं कब तेरे पास आना सो, मैं कब तेरी जन्नत को देखना सो, ऐसा हमें भी अल्लाह से लाड़ प्यार करना, बातें करना, हर रात में 10-10 मिनट बैठ को बातें करना अल्लाह को, अल्लाह से मोहब्बत जोड़ लेना इंशाअल्लाह। इसे खूब शेयर करो, और कलौंजी का कषाया हर बीमारी का सफाया, ये किडनी पेशेंटा को महीने को 3 बाटला, कैंसर वालों को, किडनी वालों को, लीवर वालों को, हार्ट वालों को, ये महीने में 30 बाटला, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में 10, चौथे महीने में 5,
और जुलूम से देते नहीं, होना का तो देती नहीं, तो सिखा को भेजती और दिए बाद फिर वापस रिटर्न लेते नहीं कि वो 3 महीने 4 महीने का लेख चल जाते, 1 महीने में रेडी हो जाको। हकीम साहब हमने पकड़ रहे नहीं, तुम्हारा कशा लाखो दिया होती कहते, हाँ ये सब टेक्निकल है, डबल एक्टिंग है, ये सब नहीं करना। लेके बाद 4 महीने बराबर पीना, पिए तो 100 साल तक जवान बन गुरु थी इंशाल्लाह। और ये बच्चे बूढ़े सब पी सकते हैं, बच्चा को गुड़ शहद डाल को रोज पिलाओ, बाहर के बीमारियां को से बातें नहीं। देखो अपना करोना वायरस मालूम ही नहीं, दुनिया में बम बड़े उठे थे, हम ये रोज पीते रहते, हॉस्पिटल को जाको 18 साल वहां घर वाले पूरे, बात समझ रही इंशाल्लाह। ये पीते रहो, रोज को 2 बाटला पी तू, मैं सुबह से दोपहर तक 1 बाटल, फिर दोपहर से शाम तक 1 बाटल, 2 बाटला। क्या अभी साइड इफेक्ट नहीं? हाँ अल्लाह जड़ बूटी में क्या भी साइड इफेक्ट रखा नहीं, खाली यत्ता देख लेना, कोसे पत्ते खाने के, कोसे पत्ते लगाने के, पत्ता देख लिया बस वो याद कम हुआ तो क्या भी उसमें साइड इफेक्ट नहीं। डराती जरा हकीमा डॉक्टर डराती की डराती क्यों तो उन्होंने करोड़ों रुपए डाल को भंडवाला दुकान खोल ले बैठे रहनी। अब हमारी बात सुनको, तुम्हें बीमार नहीं हो तो फिर उन्होंने कहाँ जाना, इसलिए डरा को मारती हाँ। क्या भी डरो नहीं इंशाल्लाह, मैं 18 साल से पी रहा हूँ, अब तक मरिया नहीं, मरने के अरमान से जी रहा हूँ। 8 दिन में मर जाऊंगा डॉक्टर, वो 8 दिन अब तक आई नहीं, 18 साल गुजर गए हाँ। सलाम अलैकुम। और दूसरा, यहाँ कोई भी रिश्वत लंचा पूछना उन्हों को, ठीक है, हमें तिजारत नहीं कर रही, हमें खिदमत खल कर रही, तो फिर भी रिश्वत लंचा पूछना है, आते आते एक्सीडेंट होकर मरती, नहीं जाते आते एक्सीडेंट होकर मरती, ऐसा मरी एक तो दो आदमी भी हाँ, उसका अल्लाह से डरो, नहीं तो हार्ट अटैक को आको मरती, नहीं तो किडनी फेल कर लेको, नहीं तो कैंसर आको। उसके से कर भला होगा भला, अंत भले का भला, किया बुरा होता है बुरा, अंत बुरे का बुरा। और दूसरा, यहाँ किसी भी सीरियस पेशेंट को लाने को, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर कोई भी नहीं, यहाँ तुम्हारा बीमारियों से बचाने के वास्ते बैठी समय है नहीं। और मुझे मिलना तो 2 तारीख से 25 तारीख तक कर्नाटक शिवमोगा अशोकनगर सवेनकिरा चैनल एरिया बसवंडा की दुकान के सामने। और मुझे बात करना तो शाम को 7:15 से 9:15 तक बात कर सकती, 3-3 लाजे टाइम रहता है। कोसे जड़ बोटियाँ खाना और क्या पीना बीमार नहीं होना तो बोल दू, 3-3 लाजे का टाइम रहता है, रिकॉर्डिंग कर लियो तुम्हारे फोन में, रिकॉर्डिंग के साथ बात करो हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसे शेयर करो, इसे कितना शेयर करती, अल्लाह के फजल में रहती, रसूल करीम रसम की दुआ में रहती।